हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेरा दिस साइड। आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ तीन आसान से सवाल, जिसका अगर आपने आंसर दे दिया तो डेफिनेटली आप जीनियस हैं और आपके माइंड का आईक्यू लेवल टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान से सवाल और जिनका देना है आपको जल्दी से उसका आंसर। मेरे आंसर देने से पहले अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो डेफिनेटली आप जीनियस हैं। तो देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ना आपने बहुत सारा लाइक, बहुत सारा शेयर, लेकिन कब, जब आपको ये वीडियो एंड तक देखे और आपको इसके क्वेश्चन और आंसर इतने पसंद आए तभी करेगा। लेकिन उससे पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वहीं बेल आइकन है उसको प्रेस करना कभी नहीं भूलना, ताकि आपसे मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस क्या है मैं आपसे पूछती हूँ। पहला सवाल, एक बूढ़ा आदमी एक बच्ची के साथ एक बकरी के साथ कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा, ये बच्ची तुम्हारी क्या लगती है, इस बकरी की कीमत क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है। तो उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक जवाब में तीनों का आंसर दे दिया। तो आप सोच सकते हैं कैसे। सोचिए, बहुत टाइम है आपके पास, जल्दी से सोचिए। आपको मैं देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 20 सेकंड। तो आप लोगों ने सोचा इसका आंसर क्या है, उस बूढ़े आदमी ने ऐसा क्या बोला जो तीनों क्वेश्चन का आंसर एक में ही हो गया। उसने बोला 89। जी हाँ, उस बच्ची जो थी उस बूढ़े आदमी की 89 लगती थी, बकरी की कीमत 89 थी, साथ में उस बूढ़े की उम्र 89 साल थी। तो हुआ ना कितना आसान सा जवाब। तो अगर आप अपने आपको जीनियस मानते हैं तो मेरे आंसर से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे दिया कीजिए, तो उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका माइंड कितना है शार्प। अब आती है बारी नेक्स्ट सवाल की। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने में लोग कम सोते हैं। जी हाँ, तो सोचिए इसका आंसर और जल्दी से मुझे दे दीजिए। आपके पास है इस सवाल के जवाब के लिए 20 सेकंड्स। तो सच में अगर आप अपने को जीनियस मानते हैं तो फटाफट मेरे आंसर देने से पहले इसका आंसर रेडी रखेगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोगों ने सोचा इसका आंसर, बहुत ही आसान है इसका आंसर। इसका जवाब है फेब मंथ, यानी फरवरी का महीना। उसमें 28 दिन होते हैं, तो एक साल में एक ऐसा ही महीना होता है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं। जी हाँ, तो हुआ ना कितना आसान इसका जवाब। आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे जवाब से पहले दिया है, तो वो लोग सच में जीनियस है। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसका क्वेश्चन में आपसे मैं जो पूछूंगी क्वेश्चन, इसमें सब जगह ब्लैंक्स है लेकिन इसका आंसर सिर्फ एक ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक गली में डैश बच्चे खेल रहे थे, डैश औरत निकली डैश लेकर और उसकी सारी डैश गिर गई। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। आपके पास है 20 सेकंड्स। इसका सिर्फ एक ही आंसर है जो सारे डैश में फिल होकर उसका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो आप लोग अपना दिमाग लगाइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सोचा इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, चीनी। जी हाँ, एक गली में चीनी बच्चे खेल रहे थे, चीनी औरत वहाँ से निकली चीनी लेकर और उसकी सारी चीनी गिर गई। तो देखा आपने कितना ही आसान इसका जवाब था और हुआ ना आईक्यू लेवल टेस्ट। तो आप लोगों में से इन तीन क्वेश्चन में से किसने मुझे तीनों का आंसर दिया है, अगर जिसने दिया है वो एक्चुअल में जीनियस है, अगर उसमें से दो का आंसर दिया है तो इट मींस आपका दिमाग बेटर है, और सपोज आपने एक का दिया है तो इट मींस आपका दिमाग है लो और वो शार्प बनेगा ऐसी ही वीडियोस देखकर। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी, तो उसको प्लीज डेफिनेटली फॉलो करिएगा, ताकि आपका माइंड बहुत शार्प बने, आपके बच्चों का माइंड बहुत शार्प बने और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, इंटरेस्टिंग है, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इजीली शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ जहाँ आपके अकाउंट्स हैं वहाँ वहाँ आप शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।